स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ टू SHM, जबकि हमारा दोनों SHM दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे थे। उस केस में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है उसका आप जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर माइनस 2x1 cos δ ओवर A1 A2 इक्वल sin²δ है। अब हम लोग इसमें कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू स्पेशल केसेस। सो दिस इज स्पेशल केस 1। तो इसमें मेरा कंडीशन है कि डेल्टा 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन इन फेज होने चाहिए। तो सबसे पहली बात जो कि हमें याद रखनी है कि x की वैल्यू माइनस A1 से प्लस A1 के बीच में ही हो सकती है, और y की जो वैल्यू है वो माइनस A2 से प्लस A2 के बीच में ही हो सकती है। यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू SHM जो होगा वो एक बाउंडेड मोशन ही होगा। आप जानते हैं कि ये जो रेड कलर से इक्वेशन लिखा हुआ है वो एक एलिप्टिकल पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक बाउंडेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू को 0 डालते हैं तो cos δ cos 0 1 हो जाएगा, और sin²δ यानी कि sin²0 ये 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले रीराइट करते हैं इस इक्वेशन को। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी x²/A1² प्लस y²/A2² माइनस 2x1/A1 A2, क्योंकि cos δ 1 हो चुका है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि sin²δ 0 हो जाएगा। अभी अगर आप इसको गौर से देखें तो ये x/A1 माइनस y/A2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो चलिए इसको लिख देते हैं x/A1 माइनस y/A2, इस चीज़ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तो यही हुआ कि x/A1 जो है वो y/A2 के इक्वल है। कहने का मतलब है यहाँ से हम लोग y=A2/A1 x लिख सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y=mx का इक्वेशन है, जहाँ पे कि m की वैल्यू A2/A1 आया है। लेकिन ये एक रेक्टिलीनियर मोशन नहीं है, ये जस्ट एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा रिजल्टेंट मोशन होगा वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा, बस इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा। अगर डायग्राम से इसको समझें तो आपको याद होगा कि एलिप्स जो है वो इस रेक्टेंगल के अंदर बना था, और अगर डायमेंशंस की बात करें, साइज की बात करें, तो ये साइज आपका ट्वाइस ऑफ A1 था, और ये लेंथ जो है आपका वो ट्वाइस ऑफ A2 था। और आपको ये भी याद होगा कि हमारा जो एक्स एक्सिस था वो ये है, और हमारा जो वाई एक्सिस है वो ये है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो हम डिस्कस करना चाहते हैं ये हमारा ओरिजिन है, और इस ओरिजिन से पास होता हुआ ये एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि जो रिजल्टेंट SHM होगा वो इस स्ट्रेट लाइन पे होगा, जो कि डायगोनल के अलोंग है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये जो एंगल, अगर हम लोग इसको थीटा कह रहे हैं, तो टैन थीटा यानी कि स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं, इट इज़ A2/A1 होने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टिकल है वो इस स्ट्रेट लाइन पे अपना SHM परफॉर्म करेगा। इस डायरेक्शन को लेट अस से R कह देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं कि द रिजल्टेंट मोशन विल बी SHM along the diagonal। अभी दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग इसका amplitude निकालना चाहेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो amplitude है वो ये length इसका amplitude हो जाएगा। हमें पता है कि ये जो length है वो A1 है, और ये जो length है वो A2 है। पाइथागोरस लगा करके हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं।
और एक और बात कि डायगोनल के डायरेक्शन को मैं आर कह रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। सो वी विल से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। और फाइनली अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM, तो हमने इस डायगोनल के डायरेक्शन को R का है, सो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, जो कि हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी। और इसका जो फेज होगा वो इंडिविजुअल SHM के साथ इन फेज होगा, यानी कि कोई भी फेज डिफरेंस जो इसके इंडिविजुअल SHM है और जो रिजल्टेंट मोशन आया है, इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा है, इट इज़ सिंपली ज़ीरो। तो फेज कांस्टेंट यहाँ पे भी जीरो है और इंडिविजुअल SHM जो हो रहा था उसका भी फेज कांस्टेंट जीरो था, तो ये बात भी नोटिस करने लायक है। अब चलिए हम लोग सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्पेशल केस है, इट इज़ स्पेशल केस टू, और इसमें हम लोग कह रहे हैं कि डेल्टा जो है वो पाई है, यानी कि फेज डिफरेंस दोनों इंडिविजुअल SHM का वो 180 डिग्री है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों मोशन है, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो आउट ऑफ फेज है। अगेन जो बात हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये एक बाउंडेड मोशन है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस ए वन से प्लस ए वन के बीच में ही लाई कर सकती है, और y की जो वैल्यू है वो माइनस ए टू से प्लस ए टू के बीच में ही लाई कर सकती है। अब अगर हम लोग अपने जनरल इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है, इसमें अगर हम लोग पाई यूज करना चाहते हैं डेल्टा के जगह, अगर हम लोग पाई यूज करेंगे तो कॉस पाई विल बिकम माइनस वन एंड साइन स्क्वायर पाई विल बिकम ज़ीरो, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा वो कुछ यूं होगा कि एक्स स्क्वायर ओवर ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए टू स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ओवर ए वन ए टू इक्वल्स ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो चलिए इसको रीराइट करते हैं, और ये आ रहा है अपने पास एक्स बाई ए वन प्लस वाई बाई ए टू का होल स्क्वायर एंड दैट थिंग इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाई बाई ए टू इक्वल्स माइनस एक्स बाई ए वन। तो इसका मतलब जो निकल के आता है वो ये है कि y इज इक्वल टू माइनस ए टू बाई ए वन इंटू एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नेगेटिव स्लोप है और उस स्लोप की वैल्यू माइनस ए टू बाई ए वन है। कहने का मतलब है कि जो हमारा रिजल्टेंट मोशन होगा वो अगेन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा और उसका स्लोप माइनस ए टू बाई ए वन होगा। कहने का मतलब मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ ट्वाइस ऑफ ए वन है, जिसका ब्रेथ ट्वाइस ऑफ ए टू है, और जैसा कि आपको याद होगा कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा ऑब्वियसली वाई एक्सिस है। तो हमारा जो पार्टिकल है वो इस डायगोनल के अलोंग अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। सो लेट्स राइट द कंक्लूजन, द रिजल्टेंट मोशन विल बी SHM along
द डायगनल, और जिस डायगनल की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देना चाहूँगा। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप ऑफ -A2/A1। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग इस एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये स्ट्रेट लाइन, उसको अगर हम लोग थीटा कहते हैं, तो हमारे पास जो टैन थीटा है उसकी वैल्यू -A2/A1 आ जाएगी, जो कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, और हमारा जो पार्टिकल है वो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर में अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ पाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया है। और लेट अस से अगर हम लोग इस डायरेक्शन को एस कह देते हैं, तो एम्पलीट्यूड की अगर बात करें कि रिजल्टेंट मोशन का जो एम्पलीट्यूड आया है उसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप देख सकते हैं कि ये लेंथ जो है वो ऑब्वियसली ए टू है, और हमारा ये जो लेंथ है वो ऑब्वियसली ए वन है। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जो लेंथ है वो हमें पता चल जाएगा, और यही लेंथ हमारे मोशन का, यानी कि हमारे रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। सो लेट्स राइट अबाउट दैट ऑल्सो। तो हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो अगेन स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं कि एस इज इक्वल टू रिजल्टेंट एस एच एम का जो इक्वेशन हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ऐसा कुछ मोशन हमारा आने वाला है रिजल्टेंट। अभी हम लोग एक और स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी स्पेशल केस 3। सो लेट्स लुक एट दैट, दिस इज दिस स्पेशल केस 3, और यहाँ पे हम लोग डेल्टा को 90 डिग्री मान रहे हैं, डेल्टा इज पाई बाई 2। तो यहाँ पे हमें जो एक बात समझ में आनी चाहिए वो ये है कि हमारा जो जनरल इक्वेशन है अगर उसमें हम लोग डेल्टा की वैल्यू पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस डेल्टा वाला जो टर्म है कॉस 90 वो तो 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर डेल्टा जो है वो 1 हो जाएगा। सो लेट्स प्लग इन दीज नंबर्स एंड राइट द इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा कि एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर, कॉस डेल्टा वाला टर्म 0 है और साइन स्क्वायर डेल्टा वाला टर्म 1 है। तो ऑब्वियसली हमारा ये इक्वेशन आ रहा है, एंड क्लियरली वी कैन सी कि ये इक्वेशन और कुछ नहीं एक एलिप्स का इक्वेशन है, लेकिन जो जनरल इक्वेशन में एलिप्स आता है वो हमारा रोटेटेड है बाय डेल्टा एंगल, लेकिन ये हमारा जो एलिप्स है वो कुछ ऐसा होगा। सो ऐसे किसी एलिप्टिकल पाथ पे हमारा पार्टिकल घूमता रहेगा, एंड ऑब्वियस सी बात है लेंथ, ये जो रेक्टेंगल आया है उसका लेंथ 2a1 हो जाएगा, और ये जो विड्थ है वो 2a2 हो जाएगा। ये हमारा x एक्सिस कहलाएगा और ये हमारा y एक्सिस कहलाएगा, यानी कि अगर दोनों SHM के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है तो ये एक एलिप्टिकल मोशन करता हुआ हमें मिलेगा। अब इसमें अगर हम लोग एक स्पेशल केस के साथ एक और कंडीशन ऐड कर दें, और वो कंडीशन ये है कि इफ़ ए वन इज इक्वल टू ए टू, अगर हमारा जो मोशन है दोनों SHM उसके बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का ही हो, लेकिन दोनों ही SHM का एम्पलीट्यूड अगर सेम रखा जाए, इन दैट केस जो हमारा इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर, लेट अस कॉल ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए, सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कहा जाएगा, ये एक सर्कल का इक्वेशन होगा, और हमारा जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन करता हुआ पाया जाएगा। सो ऐसा एक सर्कल हम लोग मान लेते हैं जिसका रेडियस ए हो,
और ये पार्टिकल जो है हमारा एक सर्कल पे मूव करेगा। लेट अस से दिस इज़ आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आर वाई एक्सिस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए एंड दैट वाज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHMs। फ्रेंड्स, अब हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। तो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ इनफाइनाइट टाइम तक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रह सकता है, प्रोवाइडेड कि रीस्टोरिंग फोर्स उस पर काम करता रहे। अगर सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि इफ ओनली अ रीस्टोरिंग फोर्स एंड बाय रीस्टोरिंग फोर्स आई मीन एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट में जो भी फोर्स आता है एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन द बॉडी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म SHM with constant amplitude for infinite time। लेकिन हम लोग यूजुअली देखते हैं कि अगर एक पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हम लोगों ने हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर दिया तो थोड़ी देर के बाद वो पेंडुलम SHM करना बंद कर देता है। पहले तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता है और फाइनली वो बिल्कुल ही रेस्ट में आ जाता है। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि नेचर में बहुत सारे डैम्पिंग फोर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डैम्पिंग फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो डैम्पिंग फोर्स हैं That is are in the format of F equal to minus some constant K into V। और चूंकि K हम लोग constant के लिए restoring force में use कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग constant के लिए B use कर रहे हैं, तो it is minus BV। यानी कि जो damping force होता है वो velocity के directly proportional होता है और direction के wise अगर देखें तो velocity के opposite direction में act करता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डैम्पिंग फोर्स के एग्जांपल के लिए फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, तो जो हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसके जो डिफरेंट मूविंग पार्ट्स हैं उसके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो है पार्टिकल का मोशन एयर का जो ड्रैग फोर्स है उसके द्वारा भी अफेक्टेड होता है। So let's write the example of drag force। So we'll say कि in presence of drag force simple harmonic motion is damped। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ड्रैग फोर्स, इट इज एनी डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग कहने का मतलब ही होता है कि एम्पलीट्यूड पहले धीरे धीरे कम होता है और फाइनली ये जो मोशन है वो रुक जाता है। तो कहने का मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है इन प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल के ऊपर वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ रीस्टोरिंग प्लस एफ डैम्पिंग। फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं यानी कि एम इंटू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं एंड दैट विल बी रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस के एक्स और डैम्पिंग फोर्स इज माइनस बी वी। अभी इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व किया जा सकता है। बट आई एम नॉट गोइंग इन टू द मेथड, आई एम जस्ट राइटिंग द रिजल्ट। तो इससे जो रिजल्टेंट मोशन आएगा उसके लिए एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी ए नॉट इन टू ई रेज टू द पावर
माइनस बी टी बाई टू एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस डेल्टा। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो भी टाइम का फंक्शन हो गया है। यहाँ पे आप देखें ये एम्पलीट्यूड का टर्म है वो भी टाइम का फंक्शन हो गया है और ओमेगा प्राइम जो है वो भी चेंज हो गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि हमारा जो ओमेगा प्राइम है वो क्या हो गया है। इट इज़ ओमेगा प्राइम कैन बी रिटन एज के बाई एम माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। तो बेसिकली के बाई एम आपको याद होगा कि जो ओरिजिनल सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स के प्रेजेंस में SHM होता है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है। तो इसको हम लोग ओमेगा नॉट स्क्वायर कह रहे हैं, यानी कि ओमेगा नॉट स्क्वायर जो कि नॉर्मल सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम को कह रहा हूँ माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो एक बात यहाँ से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है उसका ओमेगा वो टाइम के साथ जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ओमेगा चेंज हो रहा है। और एम्पलीट्यूड की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो ए इज़ ए नॉट जो कि ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है इनटू ई रेज टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम हो गया। तो सबसे पहला ये है कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्राइम which is equal to square root of k by m which is omega naught। इसका मतलब हुआ कि system oscillates with almost natural frequency। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो डैम्प्ड ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्राइम होता है, ओमेगा प्राइम की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई थी स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। तो अगर हमारा बी छोटा होता है, अगर बी बहुत छोटा होता है टेंड्स टू जीरो होता है, तो हमारे पास जो ये टर्म आ रहा है बी बाई टू एम का होल स्क्वायर ये टर्म नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड इन दैट केस हमारा जो ओमेगा प्राइम है वो अप्रॉक्सीमेटली ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो इसी बात के लिए हमने ये कंक्लूजन लिखा है कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्राइम बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम विच इज ओमेगा नॉट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बी छोटा रहता है तो हम लोगों का ओमेगा प्राइम ओमेगा के इक्वल हो जाता है। अब दूसरी बात हमारे पास एम्पलीट्यूड के लिए आ रही है यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड वाला जो टर्म है वो ए नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम है, यानी कि जो ओरिजिनल सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स के प्रेजेंस में हमारे पास एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन आया था उसको हम लोग ए नॉट यहाँ पे कह रहे हैं। सो ए नॉट इज़ योर नेचुरल एम्पलीट्यूड। तो जो इस केस में एम्पलीट्यूड आ रहा है डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में एम्पलीट्यूड आ रहा है वो हमारा एक फंक्शन हो जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जा रहा है। तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लेट अस से कि हमारा जो नया एम्पलीट्यूड है ए वो है ए नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम।
सबसे पहले कि जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो फंक्शन ऑफ टाइम है. सो बेसिकली इन डैम्प्ड ऑसिलेशन वी कैन से दैट इन डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम. एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम. और अगर हम लोग ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. हम लोग एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम के लिए एक्स टी ग्राफ बनाना चाहते हैं. सो द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस. तो जैसा कि आप देख रहे हैं टाइम के साथ जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करता जा रहा है हर एक साइकिल के बाद. जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं हमारा एम्पलीट्यूड कम और कम होता जा रहा है. सो गाइज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग हियर टू डिस्कस हियर इज अबाउट क्रिटिकल डैम्पिंग. हम लोग थोड़ा सा अब क्रिटिकल डैम्पिंग के बारे में बात करने वाले हैं. तो ये रिलेटेड है उस सिचुएशन से जब हमारा डैम्पिंग फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा. यानी कि अगर हमारा डैम्पिंग फोर्स बहुत बड़ा है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल ऑसिलेट ही ना करे. उसको अगर हम लोग मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस भी कर दें तो वो वापस से मीन पोजीशन पे आ करके वहीं पे हमारा सिस्टम रुक जाएगा और दूसरे साइड ओवरशूट नहीं करेगा. कहने का मतलब दूसरे साइड नहीं जाएगा. तो चलिए इस बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लें. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से इफ डैम्पिंग फोर्स इज वेरी लार्ज देन सिस्टम मे नॉट ऑसिलेट एट ऑल. कहने का मतलब है कि अगर हमारा डैम्पिंग फोर्स बहुत बड़ा है तो हमारा सिस्टम बिल्कुल ऑसिलेट ना करे, ऐसा भी पॉसिबल है. ये भी हो सकता है कि हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल ऑसिलेट करना ही बंद कर दे. तो क्या होगा उस सिचुएशन में? अगर हम लोग अपने सिस्टम को मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस भी कर देंगे तो वापस मीन पोजीशन पे आ करके रुक जाएगा. सो वी कैन से इफ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन द सिस्टम returns back to mean position and stay there without overshooting to the other side. तो ये पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर डैम्पिंग फोर्स बहुत बड़ा है और हमने सिस्टम को मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर भी दिया तो फिर वो वापस से मीन पोजीशन पे आ जाएगा, रिटर्न्स बैक टू द मीन पोजीशन, और वहीं पे आ करके रुक जाएगा एंड स्टे देयर विदाउट ओवर शूटिंग टू द अदर साइड. मतलब ये दूसरे साइड में मीन पोजीशन के दूसरे साइड में हमारा सिस्टम जाएगा ही नहीं, वहीं पे रुका रहेगा. तो इस सिचुएशन को हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग में काउंट करेंगे और इसके लिए जो मिनिमम डैम्पिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको क्रिटिकल डैम्पिंग कहेंगे हम लोग. सो लेट्स राइट दैट ऑल्सो. द मिनिमम डैम्पिंग फोर्स
फॉर विच द सिस्टम जस्ट सीजेस टू ऑसिलेट इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। तो ये जो सिचुएशन है वो हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाता है।